हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक गौरव फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस से तो लाइक हमने मिस्ल के बारे में बात की, सुकर चकिया मिस्ल हो गया। फिर उसके बाद हमने महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात किया, महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में रिलेशन कैसा था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी है पिछले कुछ वीडियोस में। इसके जस्ट पिछले वीडियो की अगर बात करें तो हमने देखा 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उनके जो ओनली यानी एकमात्र जो लेजिटिमेट सन होते हैं खड़क सिंह, उन्हें गद्दी पर बैठाया जाता है। बट वो जो होते हैं वो अफीम के नशे में धुत रहने वाले इंसान थे। इस तरह से उनकी भी मृत्यु 1839 में ही हो जाती है और उसके बाद नौनिहाल सिंह गद्दी पर बैठते हैं। बट नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु, जब वो उनके दाह संस्कार से लौट रहे होते हैं उसी टाइम उनकी भी मृत्यु हो जाती है। दरवाजे का एक पत्थर उनके सर पे गिरता है और इस तरह से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद यहाँ पे शेर सिंह गद्दी पे बैठते हैं, लाहौर को कब्जा में करके शेर सिंह गद्दी पे बैठते हैं। ये इलेजिटिमेट सन होते हैं महाराजा रणजीत सिंह के, तो ये गद्दी पे बैठते हैं। बट इनकी भी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद दिलीप सिंह, जो कि एक मतलब माइनर सन होते हैं महाराजा रणजीत सिंह के, वो गद्दी पे बैठते हैं। और रानी जिंदन जो होती है वो इनके रीजेंट के तौर पे रूल करना स्टार्ट करती है, लाल सिंह एज ए वजीर। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करी। अब इस वीडियो में हम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर को डिस्कस करेंगे, जो 1845 से 1846 तक चला। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इसके बैकग्राउंड को समझते पहले, तो यहाँ पे आपको महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में यानी 1838 का पंजाब का सिख अंपायर का मैप दिया गया है। तो ये जो इस बाउंड्री के अंडर में जो भी है वो सिख अंपायरिंग इस पे रूल कर रही थी, ये जो येलो में आपको दिख रहा है। तो लाइक यहाँ पे सतलज रिवर हो गया। सतलज रिवर को मैंने बताया था आपको 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कि महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, तो इसमें इस सतलज रिवर को बाउंड्री के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया गया था कि सतलज रिवर जो होगा वो बाउंड्री के तौर पे काम करेगा। सतलज रिवर के इधर आप जो भी हो रूल करो, आपको अपना एम्पायर एक्सपेंड करना है आप अपना एम्पायर एक्सपेंड करो, बट आपको इधर नहीं आना है। अब होता क्या है, लाइक अगर ये रीजन देखें तो अगर एक रिवर ये मान लेते हैं और दूसरा रिवर ये मान लेते हैं, दूसरा दोनों रिवर कहीं एक पॉइंट पे अगर मीट कर रही है तो इसके बीच का जो रीजन होता है इस रीजन को दोआब कहा जाता है। अब ये दोआब जो होता है यानी ये जो रीजन होता है, ये जो एरिया होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि इधर से भी इसको पानी मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, और इधर से भी इसको पानी और मिनरल्स मिल रहा है। तो ये जो दोआब वाला रीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। अब पंजाब में देखें तो सतलज रिवर हो गया, ब्यास रिवर हो गया, तो यहाँ पे एक जलंधर दोआब का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे भी दोआब बना। फिर इधर से रावी रिवर हो गया, तो इधर से मतलब ये जो पंजाब का पूरा लैंड है, पूरा एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था। रावी रिवर हो गया, चेनाब रिवर हो गया, इधर से झेलम रिवर हो गया, इंडस रिवर हो गया। तो ये पंजाब का जो एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड था। अब इस पर ब्रिटिशर्स बहुत पहले से ही कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि अगर फर्टाइल लैंड है यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होने का मतलब यहाँ से रिवेन्यू अच्छा जनरेट होगा। तो ये उनका मकसद था कि पंजाब पे किसी तरह कंट्रोल कर ले। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के रहते भर में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह खुद एक बहुत ही अच्छे रूलर थे, वो एक मतलब पावरफुल रूलर थे, और इसलिए महाराजा रणजीत सिंह के रहते भर में इनका ये सपना तो पूरा नहीं हो पाया। बट जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में होती है, उसके बाद यहाँ पे पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है पंजाब में, जिसके कारण इन्हें लगता है कि ये अच्छा मौका है और अब इस पे पंजाब पे अपनी पकड़ मजबूत करी जाए। तो होता क्या है कि 1844 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग को बनाया जाता है, और ये आते के साथ ही लाहौर के आसपास जो बाउंड्री था इसके आसपास में अपने ट्रूप्स यानी जो इनका ब्रिटिश ट्रूप था इसकी संख्या बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ पॉन्टून पुल एक तरह से फ्लोटिंग पुल होता है, लाइक आपने अगर देखा होगा तो कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे जैसे ये फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर पुल बनाया जाता है, तो ये फ्लोटिंग पुल होता है एक तरह का। तो ये भी फ्लोटिंग पूल बनाने का इसका प्रशिक्षण देने लगे पूरे आर्मी को। इस तरह से मतलब यहाँ पे देखकर लग रहा था कि यहाँ पे वॉर स्टार्ट होने वाला है, तो अब ये एक कारण था। अब जब ये सिख आर्मी को पता चली कि ऐसा सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है, ये अपने आर्मी यानी ट्रूप्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो सिख आर्मी ने भी सतलज रिवर को क्रॉस किया। सतलज रिवर को क्रॉस करके जो इनका मतलब जहाँ पे इनका जैसे सतलज रिवर के आसपास में कुछ रीजन ऐसा भी था जहाँ पे सिख अंपायर का कंट्रोल था, तो ये अपने जहाँ पे इनका कंट्रोल था वहाँ जाने के लिए सतलज रिवर को इन्होंने 11 दिसंबर 1845 में क्रॉस किया। अब ये जो सतलज रिवर को जब सिख आर्मी ने क्रॉस किया, इस मनूवर को एग्रेसिव मान लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, चूंकि ब्रिटिशर्स तो चाहते ही थे कि कोई रीजन हमें मिले जिसके कारण मतलब जिसको हम लेके इन पर अटैक कर सके।
तो इस मनूवर को एग्रेसिव मान लिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो सिख आर्मी है वो हम पे अटैक करना चाहती है। और ये जस्टिफिकेशन देखे, चूंकि यहाँ पे सिख आर्मी ने सतलज रिवर को क्रॉस किया, तो ये जस्टिफिकेशन दिया गया कि ये हम पे अटैक करना चाहती है और इन्होंने ब्रिटिशर्स ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब चूंकि एक यही रीजन नहीं है, बाकी मैंने आपको बताया लाइक पंजाब में पावर स्ट्रगल चल रहा था कि कौन गद्दी पे बैठेगा। दूसरी बात, ये जो लोकल आर्मी थी यानी जो खालसा आर्मी थी, खालसा आर्मी का भी स्ट्रेंथ बढ़ रहा था, इनकी भी पावर बढ़ रही थी। तो मैंने आपको बताया कि खालसा आर्मी खुद पंचायत बना के डिसीजन लेने लगे, डिसाइड करने लगे कि हमें किस अभियान में भाग लेना है, किस में नहीं भाग लेना है। तो इस तरह से खालसा आर्मी की भी पावर बढ़ रही थी। अब अगर खालसा आर्मी की पावर बढ़े तो यहाँ पे रूलर को रूल करना मुश्किल हो जाएगा। जो अगर अच्छा लीडर हो तो वो तो आर्मी पे कंट्रोल बनाए रखेगा, बट यहाँ पे लीडर भी सही नहीं थे। लाइक मैंने लाल सिंह और तेजा सिंह के बारे में बात करी पिछले वीडियो में, तो लाल सिंह और तेजा सिंह ये अच्छे लीडर नहीं थे, इनको इनकी पकड़ अच्छी नहीं थी आर्मी पे, तो आर्मी की भी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। दूसरी बात अगर देखें तो एनेक्सेशन ऑफ ग्वालियर हो गया, फिर सिंध पे भी इन्होंने 1843 में पूरी तरह से सिंध को एनेक्स कर लिया ब्रिटिशर्स ने। तीसरी मतलब अफगानिस्तान में इन्होंने कैंपेन चलाया, लाइक 1839 से लेकर 1842 तक में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर चला। तो ये सब देख के सिख पंजाब में जो भी रूल कर रहे थे उन्हें लगा कि अब ये जब ग्वालियर पे अटैक किया जा रहा है, ग्वालियर को इन्होंने एनेक्स कर लिया, सिंध को एनेक्स कर लिया, अफगानिस्तान पे इन्होंने अटैक किया, तो क्या मतलब हम कैसे इन पे भरोसा करें, ये पंजाब भी पे भी तो अटैक करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने मतलब सतलज रिवर को क्रॉस किया और चाहते थे कि अब वॉर हो तो हम इनसे लड़ें, इनसे हम किसी तरह लड़ा जाए इनसे। दूसरी बात, ये जो लाहौर किंगडम के आसपास इनका जो बॉर्डर था, पंजाब के आसपास जो बॉर्डर था, इस पे ब्रिटिशर्स ने अपने इंग्लिश ट्रूप की संख्या बढ़ा दी, तो इससे भी इनको थोड़ा शक हुआ कि ये हम पे अटैक करना चाहते हैं, और इस तरह से यहाँ पे वॉर की घोषणा कर दी गई, वॉर स्टार्ट हो गया। अब रानी जिंदन जो थी, रानी जिंदन के पास यहाँ पे विन विन का सिचुएशन था। लाइक रानी जिंदन जो पंजाब पे रीजेंट के तौर पे रूल कर रही थी, तो इनका था क्या कि एक तो अगर खालसा आर्मी की पावर बढ़ रही थी जिसके कारण रानी जिंदन को यहाँ पे रूल करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर आर्मी पे ही कंट्रोल नहीं है तो आप रूल कर ही नहीं सकते अच्छे से, तो खालसा आर्मी पे रूल करना मुश्किल हो रहा था, और सीधे सीधे हम देखें तो पंजाब पे इनको रूल करना मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने देखा कि अगर वॉर में हमारी खालसा आर्मी हारती है तो अल्टीमेटली रानी जिंदन को फायदा होगा, कि अब यहाँ पे रानी जिंदन जब यहाँ पे गद्दी पे रहेंगी तो एटलीस्ट खालसा आर्मी का यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगा। दूसरी बात, अगर जीत जाती है तो रानी जिंदन रीजेंट के तौर पर रूल तो कर ही रही, यानी इनके लिए विन विन का सिचुएशन था, दोनों ही केस में इनको फायदा हो रहा था, इसलिए रानी जिंदन ने भी वॉर का सपोर्ट किया और इस तरह से वॉर स्टार्ट हो गया। अब हम देखते हैं कोर्स ऑफ वॉर यानी वॉर के दरमियान क्या क्या हुआ। तो बेसिकली दिसंबर 1845 में वॉर को स्टार्ट कर दिया गया और ब्रिटिशर्स ने 20,000 से 30,000 के आसपास ब्रिटिशर्स की फौज थी, मतलब ब्रिटिशर्स की सेना थी, लेकिन इनके पास हथियार अच्छे अच्छे थे। अब दूसरी बात करें सिख की, तो यहाँ पे इनके पास लगभग 50,000 आर्मी में सेना थी जो कि लीड किया जा रहा था लाल सिंह के द्वारा, यानी कमांडर लाल सिंह थे। अब चूंकि मैंने आपको बताया लाल सिंह का एक तो कंट्रोल नहीं था आर्मी पे, दूसरी बात लाल सिंह और तेजा सिंह जो कमांडर और वजीर थे, इन्होंने विश्वासघात किया अपने सिख आर्मी के साथ, यानी अपने एम्पायर के साथ विश्वासघात किया, और यहाँ पे इनके विश्वासघात के कारण इन्होंने ब्रिटिशर से जाके हाथ मिला लिया। अब इसके कारण यहाँ पे सिख जो होती है वो लगातार कंटिन्यूअसली मतलब सक्सेसिव 5 डिफीट्स यानी 5 हार का सामना करना पड़ता है। कहाँ कहाँ, पहला तो मुडकी में ये दिसंबर 18, 1845 में इनको हार का सामना करना पड़ता है। फिरोज था ये दिसंबर 1845 में ही, बुद्देलवाल हो गया, आलीवाल हो गया यहाँ पे जनवरी 1846, और सोबराव हो गया यहाँ पे फरवरी 1846 में, इनको हार का सामना करना पड़ता है। ये भी किसके कारण, इनके लाल सिंह और तेजा सिंह के विश्वासघात के कारण। अब यहाँ तक भी सिख की आर्मी पूरी तरह से नहीं हारी थी, लाइक मतलब हार तो गई थी लेकिन खत्म नहीं हुई थी, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाद फिर एक सेकेंड एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट होता है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। अब ये पांच जो कंटिन्यूअसली 5 बार ये जो हारते हैं, 5 जगह पे हारे, इसके बाद लाहौर जो होता है वो खुद ही सरेंडर कर देता है। तो 20 फरवरी 1846 को लाहौर सरेंडर कर देता है, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो होते हैं इनका ब्रिटिशर्स का लाहौर पे भी कब्जा हो जाता है बिना लड़े ही। अब इसके बाद लाहौर जब सरेंडर कर देता है तो एक ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है जो कि 8 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करी जाती है सिख और इनके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में। तो इसमें होता क्या है ये हम देखते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रीटी था वो बहुत ही ज़्यादा सिख के लिए ह्यूमिलिएटिंग था, यानी अपमानजनक था। क्यों? क्योंकि हम इनके मेन फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। सबसे पहला तो वॉर इंडेमिनिटी के तौर पर इनसे 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपये की मांग करी गई। तो वॉर इंडेमिनिटी बेसिकली होता था कि जो वॉर में ब्रिटिशर्स का पैसा खर्च हुआ है
वो उनका हरजाना भरेंगे, वो सिख सिख के द्वारा हरजाना उनका भरा जाएगा। तो 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की वॉर इंडेमिनिटी मांगी गई। तो कुछ तो इन्होंने दे दिया बट कुछ देने में सक्षम नहीं थे, तो जितना दिया उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। फिर दूसरा जलंधर दुआब हो गया। जलंधर दुआब जो ब्यास और सतलज के बीच में है, लाइक मैंने आपको अभी आपको बताया था ये ब्यास रिवर है और ये सतलज रिवर है, यहाँ पे जलंधर दुआब आपको दिख रहा है। तो ये रीजन इस वाले एरिया पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया, ब्रिटिशर्स का कंपनी का डोमिनियन आ गया, यहाँ पे स्थापित हो गया। तो जलंधर दुआब भी कंपनी के हाथ में चली गई। तीसरा ब्रिटिश रेजिडेंट इस्टेब्लिश किया गया लाहौर में हेनरी लॉरेंस के द्वारा, मतलब हेनरी लॉरेंस के अंडर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट इस्टेब्लिश किया गया लाहौर में ताकि ये वहां से देखभाल कर सके। फिर सिख की आर्मी जो थी उसका स्ट्रेंथ कम कर दिया गया, उसका जो संख्या था उसे रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, और ब्रिटिशर्स ने अपने कुछ ट्रूप्स को यहाँ पे भेज दिया कि ये आपकी देखभाल करेंगे। फिर अब चूंकि लाल सिंह और ये जो थे इन्होंने विश्वासघात तो किया ही था इसलिए इनको भी कुछ इनाम मिलना चाहिए था, तो दलीप सिंह को रूलर के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया गया, रानी जिंदन को रीजेंट के तौर पर और लाल सिंह को वजीर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। ये इसका मेन फीचर था। उसके बाद अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिख जो थे वो पूरी तरह से वॉर इंडेमिनिटी पे करने में सक्षम नहीं थे, तो लाइक उन्होंने 50 लाख के आसपास जो पैसा था वो तो इमीडिएटली पे कर दिया, बाकी धीरे धीरे जो भी था वो पे कर रहे थे बट पूरी तरह से पे नहीं कर पाए। इसलिए कश्मीर जो कि पहले सिख के अंडर में थी, पंजाब प्रोविंस में थी, मतलब सिख के अंडर में थी, उसे गुलाब सिंह को बेच दिया गया 75 लाख रुपए में, और ये एक सेपरेट ट्रीटी के थ्रू फॉर्मलाइज किया गया। लाइक मतलब ये चाहते नहीं थे, यानी लाइक रानी जिंदन हो गई या फिर जो भी लाल सिंह हो, ये चाहते नहीं थे कि गुलाब सिंह के को बेचा जाए कश्मीर, वो भी 75 लाख रुपए में, बट ये भेज दिया, मतलब बेच दिया गया, ब्रिटिशर्स ने बेच दिया, और गुलाब सिंह को कहा गया कि आप जो इनका 75 लाख रुपया बाकी है वो आप हमें दे दो। तो 75 लाख रुपए में कश्मीर को बेच दिया गया गुलाब सिंह को। लेकिन सिख जो थे वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे और इसलिए उन्होंने फिर से विद्रोह स्टार्ट कर दिया। अब चूंकि ब्रिटिशर्स इस समय तक बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे तो इसलिए इनको विद्रोह दबाना इनके लिए मतलब आसान ही था, तो इन्होंने विद्रोह को दबा दिया। और उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ वेरोवाल साइन होता है, और इस ट्रीटी ऑफ वेरोवाल दिसंबर 1846 में साइन किया जाता है, ट्रीटी ऑफ वेरोवाल। इसके अकॉर्डिंग रानी जिंदन को रीजेंट के तौर पे, मतलब रीजेंट के तौर पे जो रिकॉग्नाइज किया गया था, अब इनको रीजेंट से हटा दिया जाता है और इसके जगह पे एक रीजेंसी काउंसिल सेटअप करी जाती है पंजाब में। और इस रीजेंसी काउंसिल में 8 सिख सरदार होते हैं जो कि प्रिसाइडर, मतलब जिसके हेड होंगे इंग्लिश रेजिडेंट यानी हेनरी लॉरेंस होंगे, वो हेड होंगे इसके। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेनरी लॉरेंस जो कि मतलब यानी अल्टीमेटली कंपनी का कंट्रोल पंजाब पे स्थापित हो गया, एटलीस्ट पंजाब पे कंट्रोल तो स्थापित हो ही गया। अब चूंकि रूल तो दलीप सिंह ही कर रहे थे बट फिर भी कंट्रोल यहाँ पे पंजाब पे ब्रिटिशर्स का आ गया था, तो इन्होंने लिखा भी कि अब ये जो दलीप सिंह है वो हमारे बंदी के तौर पे काम कर रहा है, मतलब हम उसे बंदी बना चुके हैं, अब जब भी हम चाहें तो पंजाब को एनेक्स कर सकते हैं, हम इस सिचुएशन में आ गए हैं। तो इस तरह से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में यहाँ पे ब्रिटिशर्स आगे निकल गए और यहाँ पे इनका कंट्रोल स्थापित हो गया एटलीस्ट। नेक्स्ट हम सेकेंड एंग्लो सिख वॉर को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।